41वीं यूपी स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता में इटावा के एससीए शूटिंग अकादमी कुनेरा हरसौली के केंद्रीय विद्यालय इटावा के निशानेबाजों को महामहिम राज्यपाल ने राज्य भवन बुलाकर कोच अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी चंद्रमोहन तिवारी सहित सभी को सम्मानित किया, जिसमें इटावा के गौरवशाली शूटरों ने 27 मेडल पर कब्जा कर शानदार प्रदर्शन कर मेडल जीतने का एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। कोच चंद्रमोहन तिवारी ने कहा है कि जनपद इटावा में पहली बार खिलाड़ियों का सपना साकार होने जैसा कारनामा देखने को मिला। हमारी जो मेहनत आज खिलाड़ियों को मेडल मिला है, उससे यही उम्मीद है कि आगे भी खिलाड़ी देश के लिए खेलें और गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मौका मिले और खिलाड़ियों ने आगे अच्छा प्रदर्शन कर देश के लिए मेडल लाकर नाम रोशन करने का दावा किया है। जी, मैं शूटिंग में 2 साल से कर रहा हूँ और पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं, जो कि मेरे लिए ये करना बहुत ही नामुमकिन था, क्योंकि ये मैं तो अपने गुरुजी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, चंद्रमोहन तिवारी, जिन्होंने मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट शूटिंग सिखा रहे हैं। पिछले 2 साल से मैं कर रहा हूँ। आज मैंने 41वीं स्टेट चैंपियनशिप में मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता है 50 मीटर। नाम राम प्रकाश सिंह है। मैंने 50 मीटर फ्री पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है। मैं औरैया से हूँ। मैं चंद्रमोहन सर के यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आगे ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है। 1.5 साल हो गया मुझे एक रोड एक्सीडेंट में मैंने अपना दाहिना पैर जान से खो दिया है। इसके बाद मैं पैरा शूटिंग में अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ। तो आगे लिए अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं? सर, मैं अपने देश के लिए तो बड़े से बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करके भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ, पर इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अभी मैं इटावा में आकर डेली अभ्यास करता हूँ, जिसमें मुझे चंद्रमोहन तिवारी जी जो मेरे कोच हैं वो नियमित रूप से मुझे अपने शूटिंग अकेडमी से राइफल और पैटल्स और यहाँ पर शूटिंग अकेडमी प्रोवाइड करते हैं और मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से मैं अभी प्रदेश में 10 मीटर एयर राइफल में मैंने गोल्ड मेडल जीता है और 0.22 और 50 मीटर शूटिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये मेरी पहली उपलब्धि है, जिसमें मुझे राज्यपाल जी ने 29 तारीख को मंगलवार को सम्मानित भी किया। उत्साह है, शूटिंग का उत्साह है। यहाँ पर जब 4 साल पहले मैं इकलौता खिलाड़ी हुआ करता था तो मुझे लगता था कि कोई साथी होता तो मैं उसके साथ खेलने जाता। इसी से प्रेरणा मिली कि एक एकेडमी खोली जाए और लोग भी यहाँ सीखें, और आज देखिए आप 27 मेडल आए हैं इटावा के अंदर, जहाँ एक मेडल भी आना दुर्लभ होता था। फिलहाल मेरे साथ उत्तर प्रदेश के तमाम